मंडी सदर पुलिस द्वारा पुलघराट में नाका लगाया गया। नाके के दौरान एक वाहन से 448 ग्राम चरस बरामद की गई। ये जानकारी SHO मंडी सुनील कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 5 लोग सवार थे और 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नाके के दौरान जब गाड़ी की छानबीन की तो ड्राइवर की सीट के साथ खिड़की की क्रैप के अंदर चरस रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और साथ ही इस दौरान 5 लोग जो गाड़ी में मौजूद थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उन सभी को 3 दिन के रिमांड पर रखा गया है और आगामी छानबीन भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने इन व्यक्तियों से चरस ली थी उसे भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस द्वारा 29 मामले चरस के पकड़े जा चुके हैं। सदर पुलिस ने पुलघराट पे एक नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान एक गाड़ी जो HP 40C 90 है वो मंडी की ओर से सुंदरनगर की ओर को आई, जिसे हमारे जो आयु साहिबान थे उन्होंने वहां पर रोका और जब चेक किया तो गाड़ी का जो ड्राइवर का सीट था उसके साथ जो खिड़की बनी हुई थी, खिड़की के कवर के अंदर से 448 ग्राम चरस बरामद हुई है। जिस गाड़ी में 5 लोग कांगड़ा के सवार थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको अदालत में पेश करके 3 दिन के रिमांड में भी लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि जिस आदमी से उन्होंने ये चरस खरीदी थी उसको भी पकड़ा जाए, इसके लिए प्रयास जारी है। धन्यवाद। अभी तक जो है 29 मामले सदर पुलिस ने NDPS के दर्ज किए हैं, जिसमें ज्यादातर केसेस में भांग पकड़ी गई है और एक केस में जो भुक्की भी बरामद हुई है।